आई थिंक मन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन. एंड जो बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं यहाँ इन्हें सपोर्ट करने आई हूँ, कि वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम करते हैं. पीपल हु कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, हु कैन अफोर्ड टू गो टू अ स्कूल दैट केटर्स टू स्पेशल नीड्स एंड ऑटिज्म. तो दे टीच देम डांसिंग, दे टीच देम ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्किल्स. और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डोनेशंस पे चलता है, दे डोंट इवन चार्ज द चिल्ड्रन एनी फीस. तो आई थिंक इट बहुत आई होप कि मैं अगर इनके साथ जुड़ूँ तो इनका कुछ अच्छा हो, पीपल तक ये ऑर्गेनाइजेशन की बात पहुँचे एंड पीपल डोनेट फॉर दिस. आज जो है उनका एक म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च होने वाला है, मन की पतंग. हाँ, उसके लिए कितना एक्साइटेड हो? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने खुद मिलकर ये वीडियो बनाया है. फीचरिंग ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम मन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड नॉट ओनली टू लॉन्च इट बट टू सी द वीडियो माई सेल्फ. अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना फायदा होता है जब सेलिब्रिटी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाता है? देखो, डेफिनेटली जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत टाइम आप लोग भी नहीं पहुंचते हैं उनको कवर करने. पहुंचते हैं नहीं. नहीं तो अगर एक सेलिब्रिटी या एक नॉन पर्सनालिटी वहां आते हैं, और जैसे मैं अभी उनके इसके बारे में बात कर रही हूं, तो शायद आपके चैनल्स ये ऑर्गेनाइजेशन की बात अपने चैनल पे चलाएं. लेकिन अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं आएगा तो लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड दैट एनकरेजमेंट, नीड दैट नॉट आई वोंट से पब्लिसिटी बट नीड द कवरेज जो उन्हें मिलनी चाहिए फॉर पीपल टू नो. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वॉन्ट टू डू चैरिटी, लॉट ऑफ पीपल हु वॉन्ट टू कम एंड गिव देयर टाइम टू सच चिल्ड्रेन, बट शायद उनको ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं है. तो जहाँ तक मैं जब मैं जुड़ती हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन से, आई डू अ थरा चेक, और मैं हमेशा फाइंड आउट करती हूँ कि वो कैसे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, तभी मैं वहाँ जाती हूँ या उनके लिए अपना नाम देती हूँ. हाँ जी, अभी कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन. नहीं नहीं, बोलते हैं आप लोग करे, तुम लोग जोक नहीं लेते हो यार, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ना तुम लोगों को समझ में नहीं आता है. मैंने जोक में बोला था कि उसकी स्क्रिप्ट अभी से अभिषेक बच्चन लिख रहा है, तो सच्ची थोड़ी बैठ के लिख रहा है वो. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हमें? अभी थोड़ा टाइम है, स्क्रिप्टिंग चालू है, बता दूंगी. आज सिर्फ मन की बात करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. We'll be right back.